नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटी में आप सभी का स्वागत है। वीकली आउटलुक में हम जानेंगे कि अगले वीक इक्विटी कमोडिटी और करेंसी मार्केट का क्या ट्रेंड हो सकता है और महत्वपूर्ण लेवल कौन कौन से होंगे। सबसे पहले अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स करीबन 2.08% के गेंस के साथ 61,305 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं हमने देखा कि इसने 61,353 का न्यू हाई बनाया। निफ्टी में भी करीबन 2.48% के गेंस के साथ हमने करीबन 18,338 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। निफ्टी ने भी करीबन 18,350 स्तर का एक न्यू हाई बनाया। निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट करीबन 17,900 का रहेगा, रेजिस्टेंस 18,650 का रहेगा। हमें लगता है कि निफ्टी करीबन 18,650 तक अगले हफ्ते जा सकती है, क्योंकि इक्विटी मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है और कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक था वो यहाँ पर अब खत्म होता हुआ दिखाई दिया है और मार्केट पॉजिटिव वे में जाती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम डेटा की बात करें तो सभी इकोनॉमी से पॉजिटिव डेटा आते हुए दिख रहे हैं, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी इक्विटी मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो हमने देखा गोल्ड का भाव करीबन 0.37% के गेंस के साथ 47,213 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में हमने $1,800 के स्तर आते हुए देखे और गोल्ड का भाव 0.57% की गेंस के साथ 1766 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। अगले हफ्ते के लिए गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 46,800 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 47,700 का रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड का टारगेट अगले हफ्ते के लिए 48,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में $1,810 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से हमने कमोडिटी मार्केट में तेजी आते हुए देखी है, एनर्जी सेगमेंट में तेजी आते हुए देखी है, बेस मेटल में तेजी आते हुए देखी है, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। इन्फ्लेशन की वजह से और फिजिकल मार्केट में त्योहारी सीजन की डिमांड की वजह से गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। अगले हफ्ते हमें लगता है कि सिल्वर के भाव में भी तेजी का ट्रेंड रहेगा। पिछले हफ्ते करीबन सिल्वर के भाव 2.38% के गेंस के साथ 63,271 पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने करीबन 23.26% के लेवल्स आते हुए देखे। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी सिल्वर का भाव पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 62,300 का रहेगा, रेजिस्टेंस 64,500 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है सिल्वर के भाव करीबन 64,500 के स्तर को छू सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। अगले हफ्ते गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी रहेगी, यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। कॉपर की अगर बात करें या बेस मेटल की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने शानदार तेजी आते हुए देखी। कॉपर के भाव करीबन 9.12% के गेंस के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए। कॉपर ने पिछले हफ्ते लाइफ टाइम हाई करीबन 802.95 का स्तर पर हाई बनाया। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के भाव करीबन 19% के गेंस के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए और जिंक ने लाइफ टाइम हाई करीबन 324.44 का बनाते हुए देखा गया। लेड के भावों में भी हमने करीबन 4.5% के गेंस आते हुए देखे। एल्युमिनियम के भाव भी करीबन 6.76% के गेंस के साथ 257 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। निकल के अंदर भी हमने करीबन 3% से ज़्यादा की तेजी देखी और निकल के भाव करीबन 1550 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एक्सपेक्टेड है बेस मेटल में जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, सप्लाई का डिस्टर्बेंस है, एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि कॉपर के अंदर सपोर्ट 740 का रहेगा और रेजिस्टेंस 860 का हो सकता है और एक्सपेक्टेड है कि इस कॉपर के भाव 825 से लेकर 860 के बीच ट्रेड कर सकते हैं। जिंक के भावों में महत्वपूर्ण सपोर्ट 300 का रहेगा, रेजिस्टेंस 345 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है जिंक के भावों में भी 345 के स्तर देखे जा सकते हैं। लेड के भावों में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। लेड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 180 का रहेगा, रेजिस्टेंस 205 का रहेगा और लेड के भाव एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 205 के लेवल को छू सकते हैं। निकल की अगर बात करें तो निकल के भावों में महत्वपूर्ण सपोर्ट 1520, रेजिस्टेंस 1610 और एक्सपेक्टेड है निकल के भावों में भी 1610 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने करीबन 6.76% के गेंस आते हुए देखे। एल्युमिनियम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 235 का रहेगा, रेजिस्टेंस 270 का रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर टारगेट 270 तक देखने को मिल सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए बेस मेटल के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, हमें लगता है कि बेस मेटल के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में हमने देखा करीबन 3.84% के गेंस के साथ क्रूड के भाव करीबन 6169 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर क्रूड में हमने WTI और ब्रेंट के अंदर भी तेजी आते हुए देखी। ब्रेंट के भाव करीबन $85 पर बैरल के स्तर पर आते हुए देखे गए, वहीं WTI के लेवल भी करीबन $80 पर बैरल के स्तर पर आते हुए देखे गए। कॉपर क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 6000 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6300 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है क्रूड के भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं और करीबन 6300 के स्तर पर बंद हो सकते हैं।
एनर्जी क्राइसिस से काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में हमने देखा है कि क्रूड के भावों में यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम होती हुई देखी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बढ़ती हुई डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। और माना जा रहा है कि क्रूड की जो डिमांड है वो प्री पेंडेमिक लेवल पर आ सकती है। तो अगर ऐसे ही ट्रेंड रहा तो हमें लगता है कि क्रूड के भाव ब्रेंट में $90 तक जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। इसके विपरीत अगर हम नेचुरल गैस में देखें तो काफ़ी 2 हफ्तों की तेज़ी के बाद ये हफ्ता एक नेगेटिव वे में बंद होता हुआ देखा गया। नेचुरल गैस के भाव करीबन 2.72% के गेन की गिरावट के साथ 410.60 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर सपोर्ट करीबन 385 का है, रेजिस्टेंस 440 का देखने को मिल सकता है। हमें लगता है नेचुरल गैस के भावों में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी जा सकती है। डिमांड फोरकास्ट लोअर होने की वजह से यहाँ पर कुछ सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा गया। एक्सपेक्टेड है नेचुरल गैस के भावों में एक साइडवेज ट्रेंड रहेगा और हमें लगता है कि नेचुरल गैस के भाव अगले हफ्ते एक रेंज बाउंड मूवमेंट में देखे जा सकते हैं। नाउ अगर हम करेंसी की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि करेंसी के भावों में हम काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते हमने USD INR, Euro INR, GBP INR सभी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट आती हुई देखी। USD INR के भाव करीबन 0.30% के गेंस के साथ 75.34% के लेवल पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 74.60 का रहेगा, रेजिस्टेंस 75.80 का हो सकता है। एक्सपेक्टेड है USD INR यहाँ पर डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है और ऊपर में 75.80 से लेकर 76 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम GBP INR की बात करें तो GBP INR यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा गया और करीबन 0.96% की गेंस के साथ 103.30 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। GBP INR के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 102.60 और रेजिस्टेंस 103.80 का रहेगा। यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें लगता है GBP INR भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है और ऊपर में भाव करीबन 103.80 तक के लेवल को छू सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है USD INR में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं और GBP INR के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो पिछले हफ्ते ही हमने एक अच्छा ट्रेंड एग्रीकल्चर में आते हुए देखा था। हमने देखा था कि जो हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था कि ग्वार सीड और जीरा के भाव ऊपर जा सकते हैं, तो वैसा ही ट्रेंड देखने को मिला। तो आज भी इस हफ्ते अगले हफ्ते के लिए हमने ग्वार सीड, जीरा और सोयाबीन को अपने पैक में शामिल किया है। ग्वार सीड में ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। एक्सपेक्टेड है ग्वार सीड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5850, रेजिस्टेंस 6450 का रहेगा। हमें लगता है कि ग्वार सीड के भावों में तेजी देखी जा सकती है। क्रॉप यील्ड होने की कम यील्ड होने की वजह से और क्रॉप खराब होने की वजह से ग्वार सीड के भावों में तेजी देखी जा सकती है। साथ में क्रूड के भावों में जो तेजी आई है उसकी वजह से भी ग्वार सीड के भावों में हम रिकॉर्ड तेजी देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्ते में ग्वार पैक में तेजी का ट्रेंड रहेगा, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पर करीबन 6450 का हो सकता है। मसालों की अगर बात करें तो त्योहारी मांग के चलते मसालों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड से भी मसालों के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने जीरा को चुना है जो कि लास्ट वीक भी करीबन 0.86% के गेंस के साथ ट्रेड होता हुआ देखा गया। इस हफ्ते भी हमें लगता है कि जीरा के भावों में तेज़ी का रुख रहेगा, यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। जीरा के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 14200 का रहेगा, रेजिस्टेंस 15200 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है जीरा के भाव 15000 के ऊपर 15200 15300 के स्तर को छू सकते हैं। फिजिकल डिमांड आने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और साथ में हमें लगता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भावों में खरीदारी का रुख देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में हमने गिरावट बनती हुई देखी, करीबन 5% से ज़्यादा की गिरावट हमने सोयाबीन में आते हुए देखी। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है अगले हफ्ते सोयाबीन के भावों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सपोर्ट करीबन 5000 का रहेगा, रेजिस्टेंस 5450 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है सोयाबीन के भावों में अगले हफ्ते भी गिरावट देखने को मिल सकती है और भाव नीचे 5000 के स्तर को छू सकते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में ग्वार सीड में खरीदारी कर सकते हैं, जीरा में खरीदारी कर सकते हैं और साथ में सोयाबीन के अंदर बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। IIFL में अपना कमोडिटी अकाउंट एक्टिवेट कराएं, कमोडिटी करेंसी में ट्रेड स्टार्ट करें, अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराएं और IIFL की जो रिसर्च है उसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।